हो गई ना, ये क्या है, ये क्या है? मैं अस्वस्थ है, ये तुम्हारे पीछे जो चल रहा है पूछ रही है, ये पद्धति है। प्लीज आई एम गिविंग यू वार्निंग, क्यों ये कुछ दिखाना है, नहीं दिखाना है, यू कैन शो समथिंग लाइक दैट, आई एम सॉरी। सिट डाउन व्हेन मैडम सेइंग सिट डाउन, सिट डाउन व्हेन मैडम से डोंट शो समथिंग लाइक दैट, डोंट शो इट, दैट इज ऑल्सो देयर। मैडम यस, मैं तो अब तक एक शब्द नहीं निकाला, आप इतने जोर से शब्द निकाल रहे हो। जल्दी बोलिए मैडम, ये सब मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण फैसला है। अब 16 तारीख से रोजाना हम यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लोग परेशान हैं और लोकसभा में हम जनप्रतिनिधि के रूप में अगर उस परेशानी को यहाँ पे उस शक्ल में नहीं आएंगे, अब जैसे वो 80 दिखा रहे हैं, कितने मौतों के बाद हम इसे स्वीकार करेंगे कि कुछ मौतें हुई, कितने तकलीफ के बाद हम ये स्वीकार करेंगे कि लोग तकलीफ में हैं, कितने परेशानियों के बाद हम लोकसभा में जनप्रतिनिधि के नाते ये कह पाएंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो परेशान हैं। सरकार माने या ना माने, हकीकत तो है आप रूल्स के अंदर से ही फैसला लेंगी, लेकिन सरकार की जो मंशा है उसको बेशक आप प्रायोरिटी देंगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लोकसभा ये नहीं हो जाए कि सरकार के मंशा के अनुयायी हो जाए, तब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और वो काला दिन होगा। आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि किस तरह से, किस सूरत में जनता की वेदना को यहाँ व्यक्त करे, और मैं ये कह रहा हूँ जब उनके भी बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके बदले वेदना है, वो यहाँ आना चाहिए, और इसलिए एडजर्नमेंट मोशन कह रहा हूँ। शून्य से हम शुरू करेंगे तो ब्रह्मांड तक भी पहुंच जाते हैं, और इसलिए मैं सब बातें अलग रखती हूं, क्योंकि आप 193 के लिए किसी रूल के अंतर्गत तैयार नहीं।